गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में और ये मैंने बताया था कि उसके तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो था उसका नाम ग्लाइकोलिसिस है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है वो एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा हो या एयर की एब्सेंस में, है ना। और एयर में इम्पोर्टेंस किसकी, ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो भी ग्लाइकोलिसिस होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो भी ग्लाइकोलिसिस होगा। ये फर्स्ट स्टेप है जो कंपलसरी हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस नो रिएक्शन का एक लीनियर पाथवे है, लीनियर पाथवे मतलब जो एक सीधी लाइन में चले, है ना, उसमें कहीं पर कोई ब्रांचिंग ना हो, ना ही कोई साइक्लिक फिनोमेना उसमें हुआ हो, उसे कहते हैं लीनियर पाथवे। और इसमें स्टेप्स कितने हैं, 9 स्टेप्स। हर एक स्टेप को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम अलग अलग है। इसका जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, पिरुविक एसिड। एंड प्रोडक्ट का नाम है पिरुविक एसिड। इस ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है इसको डिस्कवर किया था एम्डेन मेयरहॉफ पार्डनास नाम के तीन साइंटिस्ट ने। उनके नाम तो आए बुक में नहीं है, एम्डेन मेयरहॉफ और पार्डनास, इनकी वजह से इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे कहते हैं इसको, एम्डेन मेयरहॉफ पार्डनास की वजह से। और इसमें देखो सबसे पहले स्टार्टिंग है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। इस रिएक्शन में याद रखने और समझने वाली बातें क्या हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ। हमें ये दिख रहा है कि ग्लूकोज से अल्टीमेटली पिरुविक एसिड बन रहा है। ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का। पिरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। तो एक 6 कार्बन वाले से कितने 3 कार्बन वाले बनेंगे, इसका आंसर है 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पिरुविक एसिड बनते हैं। और अगली बात, इसमें हमें यह याद रखना है कि कौन कौन से स्टेप में एटीपी खर्च होता है और कौन कौन से स्टेप में एटीपी बनता है, ठीक है। अब देखो जैसे पहला स्टेप है, ग्लूकोज जब रिएक्शन करेगा और इस प्रोसेस में एटीपी खर्च होगा और यहां बनेगा एडीपी, इसका मतलब इसका एक फॉस्फेट यहां से हट रहा है तभी तो डाई बन रहा है, तो ये फॉस्फेट कहां जाएगा, ग्लूकोज के पास। अब ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद अब यहां पर कुछ भी ऐड नहीं होता, यहां पर जो एंजाइम है वो आइसोमराइजेशन कराता है। आइसोमराइजेशन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिसकी वजह से अब ये क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या होगा कि उसका जो छठा कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप आकर लग गया, ऐसे फ्रक्टोज के छठे कार्बन पर कौन आकर लग गया, फॉस्फेट लग गया। इसके बाद अगला जो स्टेप है इसमें फिर से एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च होता है और ये जो फॉस्फेट है ये अब कहां पर आकर लगेगा, ये आकर लगेगा पहले कार्बन पर, इसीलिए अब यहां बन जाएगा फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, ठीक है। ये भी 6 कार्बन का है, अभी तक जितने भी बने हैं वो सब 6 कार्बन के हैं, सब 6 कार्बन के, ठीक है। यहां तक फ्रक्टोज 16 बीस फॉस्फेट तक स्टेप हो गए कंप्लीट। इसके बाद जो अगला स्टेप है ये एक तरह का क्या है, यहां पर दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो फ्रक्टोज 16 बीस फॉस्फेट है या बाई फॉस्फेट है ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा और दोनों कितने हैं, 3-3 कार्बन के हैं। पहले मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे का नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट या डीएचएपी, डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन फॉस्फेट, ये भी तीन कार्बन का है और ये भी तीन कार्बन का है, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आगे चल के क्या करता है? इसमें जो अगला स्टेप है, देखो, अब हमने क्या देखा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते दोनों हैं, इन दोनों में आपस में एक एरो बना हुआ है, ठीक है। इस एरो का मतलब यह है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, तो ये जितना बना था ये भी इसमें कन्वर्ट होकर आगे जाने लगेगा। अगर ये आगे नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये दोनों बराबर क्वांटिटी में बने रहती है। अब आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? NADH बन रहा है, NAD प्लस से बन रहा है NADH प्लस H प्लस, और इस रिएक्शन की वजह से यहां पर बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी 6 कार्बन का, सॉरी ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब देखो यहां पर इस 6 कार्बन वाले से ये 3 कार्बन वाला बना, इसका मतलब यहां से लेके आगे तक जितने भी रिएक्शंस होंगे सब डबल में होंगे, क्योंकि दो बने ना 3 कार्बन वाले, इसीलिए। तो इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बने? इंटू 2 लिखा हुआ है बुक। इसके बाद आगे हम क्या देखते हैं, इससे बनता है ट्रायोस फॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? यहां 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और यहां 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इसका मतलब पहले कार्बन पर जो इसका फॉस्फेट था वो कहीं चला गया, तो वो कहां गया होगा? वो गया होगा एटीपी के प्रोडक्शन में। अब यहां बनता है एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से, तो डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फोरस यहां से आकर मिल गया, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि अब क्या हो गया, ये फॉस्फेट अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, अब ये सेकेंड कार्बन पर आ गया। ये भी संख्या में 2 है, ये भी संख्या में 2 है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन कैसे चल रहे हैं? डुप्लीकेट में चल रहे हैं। इसके बाद आता है फॉस्फोइन, इससे बनता है फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से फिर बनेगा, ये फॉस्फोइनॉल पिरुवेट बनने के प्रोसेस में एक H2O का मॉलिक्यूल यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होगा। अब इस फॉस्फोइनॉल पिरुवेट में जो फॉस्फो है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है वो वापस निकल के एक ATP को बनाएगा, ठीक है। और ये क्या बचा रह जाएगा? सिर्फ एक पिरुविक एसिड। तो ये भी 2 में है, ये भी 2 में। अब हमें क्या देखना है? इसका लेखा जोखा। लेखा जोखा का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के बने और कितने मॉलिक्यूल्स इसमें खर्च हुए। एटीपी का मॉलिक्यूल एक तो यह बनता है पहले रिएक्शन में, पहले स्टेप में, है ना, फिर यह बनता है फिर इस तीसरे वाले रिएक्शन में, तो इसका मतलब खर्च कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब इसमें जो इनपुट एटीपी का जाता है वो है 2 का। अब इसमें बनते कितने हैं? देखो, बनने वाला स्टेप एक ये है और एक ये है, लेकिन ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये डुप्लीकेट में होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के होने की वजह से ये 2-2 की मात्रा में बनते हैं, जैसा कि मैंने 2-2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इन सबको 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। 3-3 कार्बन के होने की वजह से ये सारे रिएक्शन डुप्लीकेट में होते हैं, यानी कि 2-2 बार होते हैं। इस
इसका मतलब दो एटीपी यहां बनेंगे और दो एटीपी यहां बनेंगे, तो इसका मतलब खर्च होने वाले एटीपी की संख्या है ये और बनने वाले एटीपी की संख्या है ये। तो अगर कोई हमसे पूछे कि गेन कितने एटीपी का हुआ, तो हम क्या कहेंगे, गेन हुआ इतने एटीपी का, यानी कि इतने का हमें शुद्ध लाभ यानी कि मुनाफा हुआ। इसके अलावा इस रिएक्शन में बनने वाली चीजें क्या क्या है, जैसा कि हम तुम देख रहे हो कि एक रिएक्शन में एक स्टेप में H2O का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन तो डुप्लीकेट में हो रहे थे। डुप्लीकेट होने शुरू होते हैं स्प्लिटिंग के ऑनवर्ड्स, है ना, जब ये तीन तीन कार्बन स्प्लिट हो गया इसके ऑनवर्ड आगे सब डुप्लीकेट में होंगे, तो इसका मतलब H2O के मॉलिक्यूल भी दो बनेंगे। अब किसकी बात आती, अब आती इसकी बात NADH की, NADH के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो, क्योंकि ये रिएक्शन भी दो बार होगा, है ना, तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल हैं तो दो बार ये रिएक्शन ऐसे करके चलेगा। तो इसका मतलब इस ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी सिग्निफिकेंस है, तो हमें ये याद रखना है कि किस किस स्टेप में एटीपी बनता है, किस किस स्टेप में एटीपी खर्च होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर एक स्टेप को कैटेलाइज करने वाले अलग एंजाइम होता है, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम आगे, देखो लास्ट में क्या लिखा है, पिरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पिरुवेट। पिरुवेट की फेट यह होती है कि अगर एरोबिक कंडीशंस हैं यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब आगे चल के सेकेंड स्टेप यानी कि क्रेब्स साइकिल में वो एंटर करेगा, लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो वो क्या करेगा, वो फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा। अब तुम आगे देखो पेज 230 पर फिगर 14.2 में दिखाई गई, पिरुविक एसिड से आगे चल के इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है अगर एनएरोबिक कंडीशंस होती है, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये है तीन मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स कैन हैंडल पिरुविक एसिड, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो एल्कोहल बन जाएगा, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो सेकेंड स्टेप में पिरुविक एसिड एंटर कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फर्मेंटेशन की तरफ, और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने वाले मॉलिक्यूल का नाम है पिरुविक एसिड, और वो पिरुविक एसिड डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस उस ऑर्गेनिज्म की, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे कि हमारी मसल्स में होता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसे कि ईस्ट में होता है। इन फर्मेंटेशन से बाई ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशन बाई सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पिरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल, यानी कि वहां पर प्रोडक्ट हुए CO2 और इथेनॉल, इसीलिए उसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और दूसरा स्टेप क्या हुआ, जिसमें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, उसमें भी उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा इथेनॉल और CO2 की वजह। द एंजाइम्स पिरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दीज रिएक्शन, तो ये इनकी एंजाइम्स के नाम है, पिरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या पिरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरे का नाम है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पिरुविक एसिड, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर शोन इन फिगर 14.2। तो ग्लूकोज से लेकर पिरुविक एसिड तक के स्टेप तो किसमें आ गए, ग्लाइकोलिसिस में, इसके आगे पिरुविक एसिड का क्या बनेगा, वो बनेगा लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, और दोनों ही रिएक्शन में NAD+ बन रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है ये जो H सप्लाई करे,
उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि NADH यहाँ पर H सप्लाई कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, तो ये आ गया मसल वाला एग्जाम्पल। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, क्यों नहीं रिलीज होती, क्योंकि जितने ग्लाइकोलिसिस में ATP बन गए उतने ही बन गए, आगे चल के एनर्जी नहीं रिलीज होती, तो वो एनर्जी किसके रूप में ब्लॉक रह जाती है, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड या इथेनॉल के रूप में। कंप्लीट ब्रेकडाउन तो तब होता है जब CO2 और H2O बनता है, लेकिन यहाँ तो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बन रहा है, उसी को उन्होंने लिखा है। नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, प्रोसेस ऑफ इज हैजार्डस। अब ये जो एसिड और एल्कोहल होते हैं ये उन सेल्स के लिए हैजार्डस होते हैं जो सेल्स उन्हें बना रहे, एक्सेस अमाउंट में बन जाएंगे तो उनके लिए ही घातक हो जाएंगे। यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट 13%, ठीक है, तो 13% होते ही क्या हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल की कंसेंट्रेशन जैसे ही 13% रीच होगी तो वो एल्कोहल की कंसेंट्रेशन उस यीस्ट के लिए हार्मफुल हो जाएगी जो उसे बना रहा था, है ना, ये वो कहना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन बेवरेज जो नेचुरली फर्मेंट होगी उनकी इतनी होती है, लेकिन फिर हायर कंसेंट्रेशन कैसे अचीव की जाती है, उसको डिस्टिलेशन करके उसको प्योर किया जाता है। व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड टू सिंथेसाइज अ लार्जर नंबर ऑफ ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो तरीका है जिसके स्टेप हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा CO2 में और H2O में और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो मेथड है रेस्पिरेशन का ये हायर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन को हम करेंगे।